मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का डिस्कस शुरू करता है ये छोटा केस, स्मॉल केस, लेकिन समझने का केस है। ये एक वार्ट्स फोरहेड में है एक आदमी का। ये भी 50 साल ऐसे उम्र का है। इससे पहले पेशेंट आने के पहले एक पेशेंट ने मेरे मोबाइल में एक पिक्चर भेजा, फोटो भेजा और मेरे को पूछा जे डॉक्टर साहब ये ठीक हो सकता है क्या? हाँ, जरूर ठीक हो सकता है। तो मैं भेज रहा हूँ एक आदमी को, आप इनको दवा दे दीजिए। हाँ ठीक है, भेज दीजिए। नेक्स्ट दिन मैंने एक्सपेक्ट किया था वो आएगा, लेकिन आया नहीं। और एक दिन बाद में पेशेंट आया, मैंने बोला बोलो क्या बात है जी? तो उन्होंने दिखाया ऐसे, ये देखिए, अला मुझे हाँ हो जाएगा। उन्होंने पूछा नहीं मेरे को होगा कि नहीं हुआ है, वो आके ऐसे ही दिखाया। कितना दिन से है? मैंने नेचुरली, देखो आप क्वेश्चन, आपको पेशेंट को क्या करना है ऐसा कोई मैं रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि आपको क्या क्वेश्चन करना है पेशेंट को। आपको मन में जो आए ना वही करो, पेशेंट वही सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है, क्योंकि सिचुएशन को ऊपर ही क्वेश्चन होते हैं और पेशेंट के समझ के क्वेश्चन करो। तो नेचुरली बात काम कर रहा है ये, ज़्यादा नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे दिखाया बस और कुछ नहीं। तो मैंने बोला कितना दिन से है? तो मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों किया, क्योंकि मेरे को ये देख कर लग रहा है कि बहुत दिन से है, बहुत बहुत सालों से होगा, इसलिए मैंने उन्होंने थोड़ा हिचकिचाया और हिचकिचाया तो और बोला जे नहीं ये 15-20 साल से हो गया होगा, 15-20 साल से ये लेके आप घूम रहे हैं। आप किसी को दिखाया डॉक्टर? बोले नहीं दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या होना चाहिए भाई, क्यों नहीं दिखाया? तो उन्होंने कुछ आंसर नहीं दिया। मैंने उसके बाद मैंने क्वेश्चन किया आपको खराब नहीं लगता है? बोले लगता है खराब। तो भी नहीं दिखाया? बोले नहीं दिखाया। तो आपको मन में डाउट आएगा ये लोग क्यों नहीं दिखा रहा है। ये एकदम फोर रोड में जस्ट यहीं पर एक 15-20 साल से एक वार्ड्स होकर आए और बहुत बड़ा, और किसी को नहीं दिखा रहे हैं। वो भी किसी को बताने के बाद हो रहा है, आ रहे हैं। तो कौन मेरे को पिक्चर भेजा? ये एक फिजियोथेरापिस्ट है, घर घर जाके फिजियोथेरेपी करता है। तो जिसका घर में जाते वो मेरा पेशेंट है, शायद उनको खराब लग रहा होगा इसलिए उन्होंने बोला जाओ तुम। नेक्स्ट मैंने पूछा आपको किसी ने कुछ नहीं बोलते हैं? बोले हाँ बोलते हैं। तो कैसा लगता है आपको? खराब लगता है। उसके बाद क्यों नहीं जाते पेशेंट के पास? तो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। यही से आपको समझना होगा जे उसको खराब लगता है लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। अरे भाई कम से कम तो दिखाओ, तो भाई होम्योपैथी ना दिखाओ तो एलोपैथी दिखाओ, दिखा के कुछ तो करो। नहीं, कुछ नहीं किया। तो बस इतना सही केस, इतना सही था और ज्यादा कुछ बातचीत नहीं हुआ। अब मैं तो देखता हूँ कि जब पेशेंट ज्यादा बात नहीं करते हैं मैं उतना आगे खींच के जाना जाता, बेसिक खींच के नहीं ले जाता हूँ, बस उसी के ऊपर करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। अब जब ज़्यादा बात बोलेंगे उसको, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो उल्टा सीधा बोलने लग जाएगा। तो आपको सोचना पड़ेगा अभी जो इसको कैसे अब पकड़े, कैसे अब इसको रूब्रिक बनाए और सही मेडिसिन तक जाए। आपका अंदर ये होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन खुद को करना चाहिए जे क्या कैसे आगे बढ़े, कैसे इसको समाधान करें, कैसे इसको रूब्रिक ले,
तो ये जो सिचुएशन हुई, क्या सिचुएशन है, क्या बोलना चाहते हैं पेशेंट, आपका मन में आना चाहिए, तब जाके करेक्ट आप पहुंच पाएंगे। तो मैंने फर्स्ट इसको लिया कि ओ, और एक मैं भूल गया था, इन्होंने कुछ क्या किया, नेचुरली ये वर्ड्स ये सब होने से ना आदमी बांध दे के उसके गेट ऐसे बांध देते हैं, या ऐसे ऐसे करके उसको काटना तोड़ना ये सब चाहते हैं, चून ऊन चूना ऊना लगाते हैं, ये सब कुछ किया। मतलब उन्होंने बताया मैंने तो ये सब किया, गया नहीं, बोले नहीं किया, बोले चूना तो मैं कभी कभी लगा देते, कोई कोई बोलते हैं चूना लगाओ, तो चूना लगाया, तो चूना लगाने से क्या होता है, बोले कुछ नहीं होता है, भाई जलन होता है। और तो मैंने पहले शुरू किया, ये हर आदमी उसको बोलेगा, ये भाई तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा क्या हुआ, ये 15-20 साल से छोड़िए, से आगे तो कम था लेकिन अभी तो ज़्यादा हो गया, अभी तो बड़ा हो गया, पूछते होगा, उनको खराब लगा होगा, हर आदमी को खराब लगेगा, इनको भी खराब लगा होगा। और उन्होंने बोला हाँ मेरे को खराब लग रहा है, तो अभी अभी आपको यहाँ से सोचना चाहिए, और मैंने भी वहाँ से सोचना शुरू कर दिए। तो अभी आप लोग भी सोचिए, मैं भी थोड़ा सेकेंड पार्ट में आपको मेडिसिन बता रहा हूँ, रूब्रिक बता रहा हूँ, और आप लोगों भी कैसे वहाँ तक पहुँचे ये बोलने का कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स देखो, मैंने आपको बोला जे हर आदमी ने उनको पूछता होगा जे भाई तुम्हारा क्या हुआ, ये क्यों नहीं दिखाता डॉक्टर, इसका खराब लगता होगा, जरूर खराब लगता होगा, ये हर आदमी को लगता है, इनको भी लगा होगा, लेकिन इन्होंने क्या करते हैं, सहन कर लेते हैं। वो अगर सहन ना करता है तो कुछ ना कुछ आंसर देता, उन्होंने तो कोई आंसर नहीं देता, छोटा मोटा आंसर देता है, फिर वैसे जैसे वैसे ही घूमते घूमते रहता है, फिजियोथेरेपी लेके घर घर जाना पड़ता है। उन्होंने अभी क्या होता है, 2-3 बार बोलने के बाद ना आदमी थक जाता है, नहीं बोलते हैं। शायद इन्होंने भी वैसे ही कुछ बना के रखा होगा मन में, अरे कितना दिन बोलेगा, 1-2 बार 3 बार 4 बार बोलेगा, उसके बाद वो चुप हो जाएगा, ऐसे ही उनको उनका मन में भी शायद ऐसे ही प्लानिंग होता होगा। तो मैंने ढूंढते ढूंढते देखो, ये इससे तो एक रूब्रिक बनेगा ना, इंडिग्नेशन तो होगा ना, इंडिग्नेशन हर सबका मन में आना चाहिए, आपको भी मन में आना चाहिए, मेरा मन में आया इंडिग्नेशन। तो ये इंडिग्नेशन ढूंढते ढूंढते मैंने देखा एक रूब्रिक है, इंडिग्नेशन ऑल्ट विथ माइल्डनेस, हर उसमें सिंगल एक मेडिसिन है, इंडिग्नेशन ऑल्टरनेटिंग विथ माइल्डनेस। तो माइल्डनेस का मतलब क्या है, माइल्डनेस का मतलब है कि टॉलरेंस टू टॉलर, मतलब सहन करना, और सिंगल मेडिसिन। लेकिन सिंगल मेडिसिन में क्या होता है, मजा आता है, अरे बाप रे सिंगल ले गया भाई, काम तो खत्म हो गया भाई यहीं से, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अभी आपको कम से कम इसको सपोर्टिंग कुछ रूब्रिक चाहिए ही चाहिए, नहीं तो सिंगल मेडिसिन गलत हो सकता है। तो पहले तो मेरा मन में आया भाई बच गया, मैंने भाई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, एक मेडिसिन आ गया, और अभी थोड़ा सपोर्टिंग रूब्रिक खोजे ढूंढे। मैं मेडिसिन का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा और 2-4 मिनट जाने दीजिए, बताता हूँ। और एक रूब्रिक देखा, देखो जे ये फिजियोथेरेपी करता है, इसका मतलब इसका पास पैसा है थोड़ा, जो इनकम करता है ठीक है चला जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा इनकम करते हैं, लेकिन उतना कपड़ा उतना साफ सुथरा भी नहीं था, और कॉस्टली भी नहीं था, ऑर्डिनरी था एकदम। तो मेरे पास जब आते थे तो उतना सफाई भी नहीं थे, आते थे कैसे आदमी रे भाई, फिजियोथेरेपी करते हैं, लोगों का घर जाते हैं, पैसा इनकम करते हैं, फिर ये गंदा कपड़ा, गंदा नहीं
लेकिन इतना साफ सुथरा कपड़ा बिना पहन के ही चले आते हैं, कुछ तो बजाय होगा। मेरे को लग रहा है कि ये आदमी डाटी, तो आपको भी मन में आना चाहिए कि ये डाटी। और कपड़ा तो डाटी है ही है, ये स्किन भी डाटी है, दिखने में भी डाटी लग रहा है। पब्लिक का सब, जब पब्लिक के साथ आप जब काम करते हो तब आपको कम से कम साफ सुथरा रहना चाहिए, या आपको फेस थोड़ा साफ सुथरा रहना चाहिए। आप दिखने में जैसे हो, मैं भी दिखने में अच्छा नहीं हो, लेकिन कम से कम तो साफ सुथरा रहना चाहिए ना। फिजियोथेरापी करते हो मतलब किसी को टच करते हो तुम, लेकिन उसके ऊपर उसको ध्यान ही नहीं है। वो गंदा दिखने में गंदा, ये भी गंदा और गंदाई भी है। तो मैंने एक रूबरिक ढूंढा, देखा कि डर्टी स्किन विद डर्टी, इसमें 6 मेडिसिन है और वो मेडिसिन इसमें भी है। मैंने अभी बच गया, मैंने बोला अरे बाप रे, और एक बढ़िया रूबरिक मिल गया और उसका सब मैच कर रहा है, डर्टी स्किन विद डर्टी। तो मेरे को अच्छा लगा, रही अच्छा रूबरिक है ये भाई। अभी थर्ड, जब 2 सेकेंड रूब्रिक मिल गया तब तो मैं पक्का हो गया कि नहीं मेडिसिन पक्का है भाई, यही मेडिसिन होगा। अभी और ढूंढने लगा, ढल गया। अभी और रूब्रिक देखा, एलिगेंस, वन टॉप एलिगेंस। आप ये सब को मीनिंग मैं आपको डिटेल जरूरत नहीं है देने का, क्योंकि डिक्शनरी तो है आपका पास। डिक्शनरी मैं रूब्रिक बता दिया, आप डिक्शनरी देखो, मीनिंग देखो, बस काम हो गया। मैं तो सिर्फ आपको ये कैसे आपको सोचना है, कैसे मेडिसिन तक जाना है, ये कोशिश करता हूँ। मेरा वीडियो में तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही रहता है, क्योंकि ये मैंने फेस किया। मैं 12 साल में एक ही चीज़ फेस किया भाई, कैसे एक पेशेंट के अंदर घुसे, कैसे पेशेंट को डेवलप करे, पैसे कैसे कैसे रूबरिक बनाए। मैं कभी मेरा वीडियो में कभी नहीं बोला जी ये ड्रग ऐसे होगा, इसका कैरेक्टर ऐसा है, नहीं बताया। ये देखने के लिए बहुत सारे स्पीकर है और ये सब आपको बहुत सारे रूब्रिक मिलेगा वीडियो, उससे आप सीख सकते हैं। तो वो सब दूसरा कुछ और बहुत सारे डॉक्टर हैं, उनसे सीख लीजिए। मेरे को जो लगा जो यही बताना बहुत ज़रूरी है, मैं बता रहा हूँ। तो इसमें एलिगेंस तो है नहीं, इसके इसमें वांट है, मतलब इसमें है नहीं एलिगेंस जो होना चाहिए इनको। क्यों होना चाहिए? अगर देखो ये एक लेवर होता तो मैं ही नहीं बताती हूँ, मैं कुछ एलिगेंस का वर्ड नहीं आता। ये फिजियोथेरापिस्ट है, घर घर में जाते हैं, फिजियोथेरापी करते हैं, तो उसमें तो कम से कम एलिगेंस होना चाहिए भाई। देखने से तो अच्छा लगे तब ना जाके बुलाएंगे आदमी को, इसमें वांट है, इसमें है नहीं। अच्छा, पहले एक बात मेरे को बोला था, मैं भूल गया बताने के लिए उनको। मैंने बोला तो दवा क्यों नहीं किया भाई, मेडिसिन किया। उन्होंने एक बार मेरे को बोला था ये क्या होगा मेडिसिन खाने से, ओ बेकार चीज़, ये खाने का कोई मतलब नहीं है, ये ठीक नहीं होगा। तो उतना ध्यान नहीं दिया। बाद में एक रूब्रिक देखा, डाउटफुल रिकवरी, मेडिसिन इज यूजलेस। ये उनका मन में चल रहा है, लेकिन उन्होंने तो कभी दवा लिए नहीं। ये एक एक्चुअली ये बहाना है, एक मेडिसिन नहीं ले रहा है और क्वेश्चन डॉक्टर का क्वेश्चन को फेस कर रहा है, इसलिए ऐसे बताया। ये सब पूरा जब ये इतना, और एक रूब्रिक मैंने लिया था बिजी फ्रूटलेस, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तो भी मैंने लिया बिजी फ्रूटलेस, क्योंकि वो बहुत कोशिश किया लेकिन कुछ काम में नहीं आया, इसलिए मैंने बिजी फ्रूटलेस लिए। ये 5-6 रूब्रिक लेने के बाद मेरा एक कंक्लूशन आया मन में, ये पेशेंट कैसा है, क्यों ऐसा करते हैं। एक्चुअली ये एवराइस, ये पैसा नहीं खर्चना, खर्च करना नहीं चाहते हैं, इसको बोलते हैं एवराइस भाई। ये आदमी एक तो पक्का एवराइस है, कृपणता, ये है आर्सेनिक। मैंने केस ऐसा किस क्यों दिया है? देखो आर्सेनिक के बारे में हम लोगों का एक मन में एक पिक्चर बना हुआ है,
क्योंकि जितना सारे आर्सेनिक का वीडियो मैंने अभी तक देखा, पढ़ाई किया, एक्सपर्ट लोगों ने, डॉक्टर लोगों ने बताया कि वो फास्टिडियस है, टाई वही पहन के जाते, साफ सुथरा है, ये आर्सेनिक हम लोगों का मन में बैठ गया कि आर्सेनिक ऐसे होगा। लेकिन ये देखो उल्टा, ये आर्सेनिक का ऑपोजिट है। मैं जब देखा जे ये तो आर्सेनिक आ रहा है भाई, तो इसको कैसे आर्सेनिक दूं, तो भी मैंने दिया, क्योंकि ये सब रूब्रिक सपोर्ट किया और मैंने उनको आर्सेनिक 200 दिए। उन्होंने मैंने बोला जी 15 दिन के बाद आ जाओ। 15 दिन के बाद उन्होंने आया, आके मेरे को बोला और मेडिसिन लगेगा क्या डॉक्टर साहब? तो 15 दिन में वो गिर गया, ड्राई होके अब गिर गया। लेकिन आप पिक्चर देखो, देखने के बाद आपको पता चलेगा थोड़ा बहुत रह गया, थोड़ा सा रह गया। तो मैंने देखा, देखने के बाद बोला भाई पूरा तो नहीं गया, थोड़ा रह गया। तो बोला जी और क्या मेडिसिन चाहिए क्या? तो आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते? बोले नहीं, आप देना चाहते हो दीजिए, अगर नहीं होता है तो ठीक, तभी चलेगा। तब जाके ये कंफर्म हो जाता है ये मेडिसिन। देखो फॉलोअप में आके मेडिसिन कंफर्म हुआ, फर्स्ट विजिट में उतना कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म कैसे हुआ? मेडिसिन दिया, ठीक हो गया, फिर कंफर्म हुआ। लेकिन सेकेंड फर्स्ट फॉलोअप में इसने परफेक्ट कंफर्मेशन दे के गया। यहीं पर लगता है कि एक रूब्रिक इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट हिज है ना, ये रूब्रिक आपने यूज किया होगा बहुत, मैंने भी बहुत यूज किया। लेकिन ये ढंग थोड़ा अलग था, ये इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट हिज। रिकवरी मतलब क्या होगा? रिकवरी माने मतलब ये पूरा रिकवर करना, कुछ बीमार हुआ तो पूरा रिकवर करना है। जैसे बैंक लोन देते हैं, वो रिकवर करता है, मतलब 10 लाख रुपया दे दिया, वो 10 लाख रुपया वापस चाहते हैं। तो इनको एक वर्ड्स हुआ है, पूरा तो पूरा जाना चाहिए लेकिन थोड़ा रह गया, वो बोल रहे कि और मेडिसिन के क्या चाहिए क्या? मैंने वहाँ चाहिए, बोला अगर चाहिए तो दे दीजिए, नहीं तो नहीं चलेगा। ये हो गया इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट हीज। ये तीन ही मेडिसिन है, इनमें आर्सेनिक भी है। इसके बाद पेशेंट मेरे पास आर नहीं आया है कभी। तो नेक्स्ट जो फोटो है वो भी मैंने नहीं खींचा है। ये कौन भेजा? जो पहले भेजा था वो उसी ने मेरे को भेजा है वो पिक्चर। क्यों भेजा? वो ये पिक्चर भेज के मेरे को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब वो तो गिर गया है, ये देखो अभी ये हालत है, ये तो जाना नहीं चाहते हैं। इनको कि जाना चाहिए क्या? बोलिए आप बोलिए, ये तो कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब नहीं हुआ तो उन्होंने फिर उनको भेजा, अजब यहीं पर फिर कंफर्म हो जाता है इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट हिज। ये हो गया आर्सेनिक। मजा तो जरूर आएगा आपको, और आना चाहिए। देखो कैसा आर्सेनिक, हम लोग कैसे पढ़ते थे आर्सेनिक को कैसे। इसलिए ना हर मेडिसिन को बहुत सारे फिसेट है, बहुत सारे दिख है। कोई फिक्स्ड आइडिया ऐसा मन में नहीं रखना चाहिए कि आर्सेनिक तो फास्टिडियस से होगा, रेस्ट कैन नो थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस, ऐसे नहीं होगा। ये कहाँ है ये रेस्ट कैन नो थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस? ये तो उल्टा हो गया एकदम। ओके फ्रेंड्स, गुड डे, मज़ा लीजिए आज का वीडियो का।